सबको मेरा नमस्कार। कल्याण हो देखने सुनने वाले सबका कल्याण हो। वंदन देव गणेश जी, गणपति विश्वेश विघ्नेश भी, मीठे मोदक का प्रसाद, जिनके आगे धरू प्रेम से, मीठे मोदक का प्रसाद, जिनके आगे धरू प्रेम से। प्रदान करना ये सब लोग देख रहे हैं। और रंगली, तूने गणेश वंदना भंग कर दी। वही तो, गणेश जी का अपमान। अरे खूब करूंगी गणेश वंदना तेरी नायक जी। ये रंगला थाली की आड़ में मुंह छिपा रहा है, अब भी खोलती हूँ तेरी पोल। अरे नहीं रंगली, हाथ जोड़ता हूँ। रंगली आज क्या इन सबको ऐसा खेल दिखाना है? जो कहो नायक जी, लोग देख ले तो भले देख ले, मगर आज मैं इसको छोड़ने वाली नहीं। बात ये है नायक जी कि ये हुआ रंगला मिठाई की लालच में अंधा होने लगा है। अरे छुपा ले अपना काला मूंछ थाली की ओट में छुपा ले। अरे भाई क्या बात है, मैं भी तो जानू। बोलो, ये किसी की दूसरी शादी में लड्डू जलेबी खाने जा रहा है, या तो फैला दे वही अपनी थाली, भीख मांगने में तो काम आएगी। किसी की दूसरी शादी में जाने से तो ये भी अच्छा। दूसरी शादी? वही तो, मेरा दोस्त कर रहा है दूसरी शादी। जरा ये भी तो पूछिए कि इनके दोस्त क्यों कर रहे हैं दूसरी शादी। बता दूं? हाँ बता दे। नायक जी को ही नहीं, इन सारे लोगों को भी बता दे। ताकि देखने वालों की भी आंखें खुल जाए। हाँ तो सुनिए नायक जी, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, पर्वत सिंह। ये उसी की बात है। बेचारा क्या करे है उसकी तीन तो बेटी। बेचारा क्या करे है उसकी तीन तो बेटी। इसीलिए तो हुई है उसकी समाज भर में हेठी। इसीलिए तो हुई है उसकी समाज भर में हेठी। लेकिन बेटा बेटी में फर्क क्या? अगर सही तरह पाला पोसा जाए तो बेटी भी वही सब कुछ कर सकती है जो बेटा करेगा। ऐसी एक बेटी मैं भी तो चाहता हूँ, निकम्मे बेटे से तो बेटी भली। अरे अरे नायक जी, आपको क्या हुआ?
बेटा बेटा कहते मेरा गला सूख गया, लेकिन मेरे बेटे ने ही तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, वो तो कपूत निकला और उसी ने आपको ही घर से बाहर निकाल दिया। उसी की वजह से इस उम्र में भी मुझे यूं दर बदर भटकना पड़ता है। अच्छा होता मेरी भी एक बेटी होती, लेकिन ये बात उस मूर्ख को कौन समझाएगा? किसको? तेरे पर्वतीय को। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर उसकी पत्नी बेला का चौथी बार पांव भारी हुआ और देख, अब बहुत हो चुका। मैंने बहुत धीरज रखी, 3 बार तो धोखा खा चुका हूं। अब की बार अगर बेटा न हुआ तो क्या कर लोगे? तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। हाँ तो क्या जान से मार डालोगे? ठीक ठीक ठीक, मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूंगा? मैं तो तेरे सर पे सौतन लाने की सोच रहा हूं। हे भगवान, सौतन लाओगे मेरे जीते जी? तो क्या तेरा मुंह नहीं आता बैठा रहूंगा? तू तो उच्छेदिया, जिस घर में बेटियां ही पैदा हो वह कुल ही उच्छेदिया है। तेरी माँ के भी तो 5 बेटियां हुई थी ना, तो मैं भी क्या 5 बेटियों का बाप बन के घिसटता रहूंगा? हम 5 बहनें हुई तो क्या हुआ, हमारे बाप ने तो कभी दूसरी शादी की बात तक नहीं सोची, कितने प्यार से पाला था उन्होंने। तेरा बाप तो मूर्ख है मूर्ख, तू अपनी माँ की तरह धड़ाधड़ बेटियां पैदा करती रहे और मैं माँ बाप को गाली मत दो। और ये तो कुदरत है, बेटा होना या बेटी ये किसी के हाथ की बात थोड़ी है। अच्छा तो जबान चला रही है, दादागिरी कर रही है, अब की बार तेरी बेटी तो होने दे, मैं भी नई शादी करके बता दूंगा कि कुदरत क्या है। हाँ, फिर क्या हुआ? चौथी बार भी बेटी ही हुई। सत्यानाश है? ए नायक जी, आप भी अभी तो बड़ी बड़ी डिंग हाँक रहे थे कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, तो फिर? अरे वो तो मैं बेला की फिकर में था। अरे उस बेचारी की फिकर करने वाला वहाँ कोई नहीं था। हाँ? कोई बड़ा बूढ़ा भी उस उजड़ पर्वतीय को समझाने वाला नहीं था? अरे बड़े बूढ़े भी तो थे, खुद पर्वत के माँ बाप भी तो, और गांव के लोग, वो तो उल्टा आग में घी डालने का काम कर रहे थे। पर्वत की माँ, सुना तुमने पर्वत दूसरी शादी करने को कहता है? हाँ, यही बात मैं गंगा भाभी को बता रही थी। हे लो बहू, इसमें क्या बुरी बात है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही आया है। भाई जी, अब मुझे ही देखो, मेरे यहाँ 3 साल तक बेटा नहीं हुआ था, तब मैंने खुद अपने हाथों से अपने मर्द की दूसरी शादी नहीं करवाई थी, और जब घर में कुल दीपक जन्मा तो मेरी सौत को मैंने अपने ही हाथों से घी और गुड़ खिलाया था। बेला को तो खुद ही समझना चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा भाभी, और उसमें बहू बेचारी का क्या दोष? क्यों नहीं, उसका पूरा खानदान उछे दिया है। ऐसा न कहो भाभी, उसकी छोटी बहन लीला के 2 बेटे है, उसके खानदान में तो कोई दोष नहीं। तो क्या हमारे खानदान में दोष है? पर्वत को अगर बेटा नहीं हुआ तो वंश कैसे चलेगा? खबरदार जो बहू का मुंह लगाया, मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। जानती हो अभी भी पर्वत को एक से एक बढ़िया दुल्हन मिल सकती है। अरे मुंह काला हो इनका। अरे इनको छोड़ो, ये तो खैर दूल्हे के माँ बाप ठहरे, लेकिन इन्हें देखो, इन्हें क्या पड़ी है जो दोस्त की शादी में मुर्गे की तरह अकड़ रहे हैं? तुझे क्या पता, हमारे दोस्त की शादी तो होकर ही रहेगी। नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं। अरे क्या मजाल है, कैसे नहीं होने देंगे? क्योंकि अब माला जो आ गई है। माला? कौन माला भला? बेला माला पहन दो। बेला माला पहन दो, एक ही शाख के फूल। बेला माला
के फूल, एक की बगिया महकी महकी, एक का जीवन धूल। ये धूल वाली की बात तो समझे वही बेचारी बेला, लेकिन ये महकी महकी बगिया वाली माला है ना, हाँ, तब तो माला को जरूर बेटा होगा। अरे नहीं नायक जी, फिर वही ये अपनी जो माला है ना, उसको बेटा नहीं बेटी है, और एक ही बेटी, फिर भी वो बेटे के लिए पागल नहीं हुई और अपनी बेटी को अच्छी खासी तालीम दे रही है। माँ, ओ माँ, मुझे भूख लगी है। देखो अभी तो तुमने केले खाए, अब जीत मत करो, मुझे तंग मत करो। जाओ देखो वो प्रभा दीदी कैसे गुड्डी को गाना सिखा रही है, जाओ वहीं जाओ। नहीं माँ, नहीं। प्रभा, अरे ओ प्रभा, जरा इस गुड्डी और मुन्नी को भी गाना सिखाओ ना, जाओ। हाँ मैं, चलो चले। जाओ प्रभा के साथ, जाओ उधर खेलो। अब बता बहन, तूने मुझे क्यों बुलाया है, कुछ तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत खराब हो जाती तो अच्छा था। तो फिर मैं क्या कहूँ, तूने सुना नहीं, वे तेरे जीजाजी दूसरी शादी कर रहे हैं। दूसरी शादी? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये छोटी जब होने वाली थी तब उसने मुझे धमकी दी थी, अब की अगर बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मुझे बेटा चाहिए। अब वे अपनी मनमानी करके रहेंगे, कहते हैं अच्छा मुहूर्त निकलते ही शादी रह जाऊंगा। लेकिन हम उसका अच्छा मुहूर्त आने दे तब ना। अब क्या होगा दीदी? कुछ नहीं होगा, जानती नहीं, हमारे में एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी शादी करता है तो वो कानूनी गुनाह है, उसके लिए सजा भी है। सजा तो मैं भुगत रही हूँ, बेटियों की माँ होना ही मेरे लिए तो गुनाह हो गया। हरगिज नहीं, फिर अगर बेटा हुआ या बेटी, उसके लिए भी तो पुरुष ही जिम्मेदार है। क्या? और नहीं तो क्या, अब तो विज्ञान ने साबित कर दिया है कि बेटा होता है या बेटी, उसके लिए पुरुष ही कारणभूत है। हाँ। सच? ये तुम क्या कह रही हो, तब तो हाँ, इतिहास के पन्ने अब उलटने पड़ेंगे, एक था राजा और सात रानियों वाली कहानी अब हम नहीं दोहराएंगे। रानियां नहीं, राजा ही जिम्मेदार होगा राजकुमारियों के लिए। मैं भी ऐसी बर्बादी नहीं होने दूंगी मेरे घर में। पर तूने किससे जाना? और किससे, डॉक्टरनी से। ऐसा करते हैं, मैं तुझे डॉक्टरनी के पास ले चलती हूँ, पूरी बात समझ में आ जाएगी। बच्चे की जाति रंग सूत्र से तय होती है, रंग सूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। बच्चे की जाति कैसे तय होती है वो मैं आप लोगों को इस चार्ट से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, मर्द के शरीर में एक्स और वाई, ये दो रंग सूत्र होते हैं, और औरत के शरीर में दोनों रंग सूत्र एक्स प्रकार के होते हैं। अब ये चित्र को ध्यान से देखो, जब मर्द का एक्स औरत के एक्स से जाके मिलता है तब बेटी पैदा होती है, और जब मर्द का वाई रंग सूत्र औरत के एक्स रंग सूत्र से मिलता है तब जाके बेटा पैदा होता है। मतलब औरत तो शारीरिक तौर पर बेटा पैदा करने के लिए तैयारी होती है, सवाल है मर्द के वाई रंग सूत्र के मिलने का। यानी प्राकृतिक तौर पर बेटा या बेटी पैदा करने में मर्द का रंग सूत्र जिम्मेदार होता है। आई बात समझ में? लो, ये तो साफ बात हो गई कि मुझ में कोई दोष नहीं, सवाल तो भी रंग सूत्र का है। मगर माला, हमने तो पहले कभी ऐसी बात नहीं जानी थी, उल्टा बेटा बेटी होने की सारी जिम्मेदारी पूरी हमी औरतों पर थोप दी गई।
इसका कारण है अज्ञान और अंधविश्वास। बात तो उसकी सच है, लेकिन रंगली तूने ये डॉक्टर वाली बात मुझसे छुपाई क्यों? नायक जी, मैंने भी कल ही जानी फिर, लेकिन अब सबको कहूंगी, ढोल पीट पीट के कहूंगी, ताकि बेला की तरह औरतों में मुसीबत ना आए। पुरुष है जिम्मेदार, बोलो पुरुष है जिम्मेदार, पुरुष है जिम्मेदार, बोलो पुरुष है जिम्मेदार। नहीं नहीं रंगली, पुरुष का रंग सूत्र है जिम्मेदार, पुरुष का रंग सूत्र है जिम्मेदार, बेटा हो या बेटी इसमें पुरुष का रंग सूत्र है जिम्मेदार, पुरुष का रंग सूत्र है जिम्मेदार। बहुत सहे अपमान सौत के डाह भी पाए, निकली घर से बाहर जहर से ताने खाए, चल कर हो गई राम शाप के गजनी बन गई, सदियों से औरत ने झूठे गाने गाए, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे। अब तक हम चुप क्यों हैं? हमें तो ताबड़तूब एक वेश तैयार कर देना चाहिए और इन सब स्त्रियों और पुरुषों को दिखा देना चाहिए क्रोमोसोम्स यानी कि रंग सूत्र का सबक। बढ़िया बढ़िया बातें। नायक जी, तो क्या अब हमें ये क्रोमोसोम्स यानी कि रंग सूत्र का खेल भी दिखाना पड़ेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस 21वीं सदी में ये तो जरूर करेंगे हम। और साथ में एक और सबक भी देना होगा, वो ये कि बेटा बेटी में फर्क न देखो, बेटी भी कुल का दीपक हो सकती है, समझे? हम तो समझे, अब इन्हें समझाओ और गाओ। हाश, आरती गा ले नायक जी। आरती नहीं, सुधारती, जो हमें सुधारे वो सुधारती। सुनो और समझो साथी, दे दो फिर अंतर में स्थान, सुनो और समझो साथी, दे दो फिर अंतर में स्थान, पुत्र पुत्री में भेद न करना, पुत्री को देना तुम ज्ञान, पुत्र पुत्री में भेद न करना, पुत्री को देना तुम ज्ञान। पति देते ज्ञान सदाही, उसी ज्ञान की जय जयकार, गणपति देते ज्ञान सदाही, उसी ज्ञान की जय जयकार, ज्ञान से अब विज्ञान है बढ़कर, उस विज्ञान की जय जयकार, ज्ञान से अब विज्ञान है बढ़कर, उस विज्ञान की जय जयकार। सुनो और समझो साथी, दे दो फिर अंतर में स्थान, सुनो और समझो साथी, दे दो फिर अंतर में स्थान।